होली का त्योहार नजदीक आते ही चंद दुकानदार मुनाफे के लिए मिलावट करने से भी गुरेज नहीं करते हैं। जहां दूध पनीर मावे में केमिकल मिलाकर नकली सामान तैयार करते हैं और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। उसी को देखते हुए जिलाधिकारी सोनिका ने सभी संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि वे सभी दुकानदारों के सामान के सैंपल लेकर और जो व्यक्ति मिलावट करते पाया जाता है उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करें। ऐसे निर्देशों का पालन करते हुए खाद्य सुरक्षा आयुक्त के निर्देश पर होली त्यौहार के मद्देनजर मिठाई की दुकान दूध की डेयरी में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पीसी जोशी खाद्य सुरक्षा अधिकारी इंस्पेक्टर मौजूद रहे। देहरादून से मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। होली आ रही है और क्योंकि होली पे लॉ एंड ऑर्डर का भी इशू रहता है तो हमारे द्वारा मजिस्ट्रेटों की तैनाती कर दी गई है और साथ ही साथ क्योंकि त्यौहार है तो मिठाइयाँ बनती हैं और मिठाइयों में मिलावट की शिकायतें आती हैं, जिसके क्रम में हमने फूड सेफ्टी अधिकारी को प्लस हमारे जो पूरी टीम है उसको बता दिया गया है कि जगह जगह छापेमारी करें और कहीं भी मिलावट की शिकायत आए तो कार्रवाई करें।